अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक लॉलीपॉप दे रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी होनी है, ठहरिए सर्जरी होनी है। क्या हुआ, कहां गई वो सर्जरी, कहां है आपके डॉक्टर्स जिन्होंने सर्जरी करनी है, गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट किधर है? कहीं नहीं, अब कोई पूछ तक नहीं रहा क्योंकि सब पर्दे डाल रहे हैं। वहां पे कप्तान साहब आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिल माहौल है, सब रिलैक्स है, किसी को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने इंडिविजुअल रन होने चाहिए, पैसा आना चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में, फैंस भी जाए भाड़ में, क्रिकेट बोर्ड भी जाए भाड़ में, सब पैसा तो आ रहा है ना, बस पैसा आना चाहिए, बाकी सबके इमोशंस जाए भाड़ में जाए। ये आपकी सर्जरी हो रही है, ये ड्रामेबाजियां, मैंने उस वक्त व्लॉग किया था, मैंने कहा था कि ये फेक खबरें हैं, ये ड्रामेबाजियां चलवाई जा रही हैं कि जी आप देखिएगा यही लोग ज्यादा डालेंगे, यही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन माजरत के साथ यही होंगे जो कहेंगे जी ठहरिए चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी तक वेट कीजिए, दोबारा बाबर आजम कप्तान बनेंगे, ये होगा वो होगा, फिर चादरें होंगी। आप असल में आपने आज तक बेंच स्ट्रेंथ आजमाई है? आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो फिर कैसे आप शाहीन शाह अफरीदी, कैसे आप बाबर आजम, कैसे आप मोहम्मद रिजवान को बाहर निकालेंगे? आपके पास औकात ही नहीं है। जो आप पे क्रिटिसिज्म क्रिकेट बोर्ड पे करता है, क्रिकेट टीम के करता है, आप तो उसको चुप कराने के लिए क्रिकेट बोर्ड में आके जॉब्स दे देते हैं। ये तो आपका स्टैंडर्ड दुनिया में रह गया है। आप इसलिए दुनिया के अंदर धक्के यूएसए जैसी टीम से भी आप खाते हैं, आप आयरलैंड की थकी हुई टीम से भी आप धक्के खाते हैं, आप न्यूजीलैंड की बीसी थकी हुई टीम से आप धक्के खाते हैं। आपका स्टैंडर्ड अपना खुद आप लोगों ने घिरा के रखा है। ड्रामेबाजियां चलाई जा रही, कहां है आपके जो मरीज किधर गए, जिनकी सर्जरी हो रही है वो तो अपना चिलमोल में फिर रहे हैं, वो वहाबियाज ने जो रिपोर्ट पेश की आपने एक्शन लिया, आपकी औकात ही नहीं है इनके खिलाफ एक्शन लेने की। आप एक सेंट्रल कॉन्टेक्ट तो इनका खत्म कर नहीं सकते हैं, क्या इनका एक्शन लेंगे, कैसे एक्शन लेंगे? आप इतने स्ट्रांग है नहीं, आपसे ज्यादा ये प्लेयर ज्यादा स्ट्रांग है, आपको घिरा कर ये प्लेयर रख देते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर वो जो एक कंपनी निकली थी जिसके अंदर ये 7-8 प्लेयर इन्वॉल्व थे, वो किधर गए? उसको जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई थी वो कहां गई, इन्वेस्टिगेशन वाली टीम? ये सब ड्रामेबाजियां, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल बना रहा है लोगों को कि जी इस टीम की सर्जरी होनी है, इनकी औकात नहीं है इस टीम की सर्जरी करने की। तो खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।